मैं डॉक्टर दीपक सोनी, वेलबींग फिजियो से। आज हमारे साथ है अर्चना चौधरी जी, जिनको गर्दन में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हुआ और उनको हाथों में कुछ झंझनाहट और कमजोरी स्टार्ट हुई थी। आज हम उनसे मालूम करते हैं कि कैसे उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और हमारे यहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट लेकर उससे कैसे निजात पाई। अर्चना जी बताइए। मेन प्रॉब्लम गर्दन से स्टार्ट हुई, गर्दन में बहुत तेज पेन हुआ, उसके बाद में हाथ आधे हाथ तक आया, दूसरे दिन पूरे हाथ और उंगलियों में आ गया, तो उंगलियां बिल्कुल वर्क करने बंद कर दी। उंगलियां आपकी थोड़ा सा मतलब टाइट हो गई थी काफी, है ना? टाइट नहीं सर, पूरी ऐसे मोड़ गई, पूरी पूरी हो गई थी, मतलब आपको सीधा करने में दिक्कत हो रही थी, सीधी भी नहीं हो रही थी। तो उसके बाद आपको दिखाया तो आपके उससे बहुत फर्क पड़ गया। अभी उंगलियां आपकी सीधी हो गई काफी हद तक, पूरी? हाँ पूरी तो हो गई, बस ये थोड़ा सा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप घर के काफी काम कुछ करने लगे हो, पहले तो काफी दिक्कत आती थी, और अब पहले कुछ काम नहीं होता था, पहले व्हीकल भी नहीं चलता था, व्हीकल भी चलने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गर्दन में दर्द भी नहीं है आपको? नहीं सर, गर्दन में भी नहीं है, हाथ में भी नहीं है, कहीं भी दर्द तो नहीं है। और आपको शायद 20-25 दिन हो गए शायद ट्रीटमेंट लेते हुए? 25 दिन हो गए ना। बिल्कुल। और आपको फिर आपने कहीं दिखाया भी था इसके लिए? गर्दन दर्द और कमर दर्द के अंदर तुरंत ही पेशेंट को ऑपरेशन बता दिया जाता है, जिससे वो काफी मानसिक रूप से डिप्रेस हो जाते हैं और उनके पास फिर कोई ऑप्शन ऐसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी तो अब शायद इसका और कोई इलाज ना होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो ये प्रॉब्लम मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल मतलब कि जिस नर्व के ऊपर कुछ प्रेशर आ जाता है उसकी वजह से ऐसा होता है, और उसको फिजिकली अपन मूवमेंट से, फिजियोथेरेपी में कुछ मोडलिटीज से उसको अपन रिलीज कर सकते हैं। जैसे हमने इनको सर्वाइकल ट्रैक्शन भी किया था, गर्दन में जिसको ट्रैक्शन कहते हैं, उससे भी काफी हद तक आराम मिल जाता है और पेशेंट देखिए आपके सामने बिल्कुल इस तरह से प्रॉब्लम को ठीक हो।